सवाल ये है कि अगर ये कोई नहीं है और कोई नहीं होने के बाद जब कोई कुछ नहीं होता और नेता बनता है उसको भारतीय भाषा में छुटभैया बोलते हैं, तो अगर छुटभैया कोई इतना ज्यादा प्रभावी है नोएडा में कि वो डीएम की चिट्ठी पर भी ठेका दिखा दे तो एक मामला गंभीर हो जाता है। नाइज ला लीजिए, लेकिन जो पूरी तस्वीर सामने आ रही है ये कितनी गंभीर है। श्रीकांत त्यागी, ये स्पष्ट दिख रहा है, ये एको कर रहा है, इसको ठीक करा दीजिए। स्पष्ट दिख रहा है ये सत्ता के नशे में ये चूर है और जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इसने एक महिला के प्रति प्रयोग की है, इसकी जितनी निंदा की जा रो कम। अब ये आरएसएस की जो है संस्कार है और आरएसएस की पाठशाला में यही तो सिखाया जाता है कि अभद्रता करो, गाली गलौज करो, और आरएसएस तो कहती है ये सब हमारे परिवार को। अब पहले जो है ये इनकार कर दिया कि हमारे पहले इस नेता को जो है श्रीकांत त्यागी को फरार करा दिया और अब पार्टी इनकार करी कि हमारी पार्टी के लिए। आप इसको समझे कि जिस प्रकार की घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में इस विशेषकर महिलाओं के साथ, इसमें जो है अधिकतर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शामिल है। चाहे आप उन्नाव का केस ले लीजिए, बीजेपी का एमएलए ठाकुर कुलदीप सेंगर, उसने किस प्रकार से महिला के साथ उत्पीड़न की सारी हदें पार कर दी और प्रदेश के बीजेपी के सबसे बड़े नेता उसको बचाने का काम करते रहे। तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरव्यू करना पड़ा, लथाड़ लगाई, तब जाकर कार्रवाई हुई। हाथरस केस में भी यही हुआ था कि हाथरस केस में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ने महिला के साथ उत्पीड़न की सारी हदें पार की, उसको भी बचाते रहे बीजेपी के लोग और फिर वहां भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू किया। अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। लखीमपुर में किस प्रकार से बीजेपी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ चीरहरण किया। चिन्मयानंद केस जो शाहजहांपुर में बीजेपी का नेता, वो सब हमको मालूम है कि किस प्रकार से उसको भी बचाते रहे। और फिर आप देखिए कि अधिकतर इन सब केसों में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इन्वॉल्व है। लखीमपुर में आप किसानों का नरसंहार देखिए, उसमें बीजेपी के मंत्री टेनी के जो लड़का इन्वॉल्व था उसको बचाने। ठीक है, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि पूरी क्रोनोलॉजी ही वही है। आएंगे नायक जी और अनिला जी से जवाब भी लेंगे। शक्ति भी हमारे साथ बने। शक्ति, जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि अगर ये इंसान कोई भी नहीं है, किसी दल का नेता नहीं है, भाजपा का नहीं है, सबने कन्नी काट ली अपनी, तो बिना रसूख के कैसे किसी को सिक्योरिटी मिल जाएगी? और जानकारी मिल रही कि वो भी छह छह गनर मिले थे, एक दो भी नहीं। देखिए, जब इस तरह का कृत्य सामने आता है तो हर पार्टी, यानी कि कोई भी पार्टी सत्ता में बैठी हो, वो अपना पल्ला झाड़ लेती है। हालांकि ये नहीं कि इसकी बीजेपी में ही सांठगांठ हो, इसकी बसपा में, इसकी सपा में, हमने इसके वो दौर देखे हैं जिस दौर में इसके पास एस्कॉर्ट चली है और कई कई गनर साथ में चले हैं। और अगर किसी ने बीच में इसके गाड़ी भी अगर लगा दी तो इसके गनर ने उतर कर उसकी उनकी पिटाई भी करी है। सरकारी छोड़िए, जो इसके साथ एक हमला चलता प्राइवेट लोगों का, वो काफ़ी कहते हैं बड़ा होता। यही अगर सोसाइटी के लोगों की बात की जाए तो सोसाइटी के यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइए कि श्रीकांत आपके यहाँ रहा करता था, रहते हैं, मतलब अब भी, ये बताइए कि किस तरह के हैं, क्या रहा उनका स्वभाव की बात करें? देखिए, स्वभाव तो सामने आ गया सबके जी, स्वभाव तो बताने की जरूरत नहीं बची कि जो स्वभाव उसने दिखाया यहाँ पर, वो कोई आप उसको ये नहीं कह सकते बहुत अच्छा स्वभाव था या उसके स्वभाव को हम कॉपी करें या कुछ करें। स्वभाव तो ठीक था ही नहीं, उसका स्वभाव ठीक नहीं था तभी ये कृत हुआ है। कितने लोग उसके साथ रहा करते थे? आपने देखा होगा, हमेशा उसका हमला देखा होगा आपने। थे लोग उसके साथ, रहते थे उसके साथ, लोग रहते थे, 8-10 लोग रहते थे उसके साथ, और उसका अपने आने जाने का स्टाइल था। देखिए, स्टाइल जो स्टाइल था उसका, वो स्टाइल एक अलग ही था, यानी कि बाहुबली जैसा स्टाइल, जैसे जिस तरह से बाहुबली चलते हैं, आगे पीछे गाड़ियां लगाते हैं और हमेशा हुटर मारते हैं, निकलते हैं, तो श्रीकांत त्यागी का वही बाहुबल यहाँ देखने को मिलता था। कई जगह ऐसे केस हुए, कई ऐसे प्रकरण हुए हैं, लेकिन ये जो मामला था, ये मामला एक महिला से जुड़ा हुआ था। जिस तरह से इन्होंने अमर्यादित शब्दों के साथ उन महिला के साथ गाली गलौज की है, वो उस बात को कोई भी नकार नहीं सकता कि इसने सही कृत्य किया है। इसीलिए आज की तारीख में शायद ही इसकी तरफ से कोई नेता इसका साथ देगा या खड़ा होगा, क्योंकि अगर नेताओं के रसूख की बात की जाए तो ऐसे तमाम नेता हैं, जो इसके पास आया करते थे या उनके पास ये जाया करता था। और अभी कुछ देर बाद यहाँ पर जो बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, डॉक्टर महेश चंद शर्मा, वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जो महिला हैं, जो पीड़ित महिला, जिन महिला के साथ ये कृत्य हुआ है, उन महिला से भी वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे और बिल्कुल वार्तालाप करेंगे। लेकिन यही बात, सवाल ये है बीजेपी की तरफ से पल्ला झाड़ने, इस बात का जवाब कौन देगा कि छह छह गनर कैसे मिला, स्क्वाड कैसे मिला, कौन जिम्मेदार है, किस अधिकारी का इस पर हाथ है?
और कड़ी कार्रवाई की बात तो हो रही है। 354 के तहत मामला दर्ज है मैम, पता है कि उसका अंजाम क्या होता है, कितनी सजा मिलती है उसको? पहली बात तो ये पंकज जी की और शक्ति सिंह जी की आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। अच्छा, नाहिद लारी खान की आवाज थोड़ी आ रही थी, तो पहले तो मैं उनको उत्तर दे दूं। मैडम, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना, हमारे पैनल पे पंकज जी बैठी हुई है। अब पंकज जी का जिस तरीके से अपमान आपकी पार्टी में हुआ, उस वजह से समाजवादी पार्टी को छोड़कर ये दूसरे राजनीतिक दल में गई। वो बात दूसरी है कि कांग्रेस में भी महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। प्रियंका चतुर्वेदी हाल फिलहाल का उदाहरण है, क्या महिला है, सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या हो गया, फौरन पड़ गया। नहीं लारी जी, अनिला जी ने तो मुद्दा एकदम उठा दिया, वो आपकी दुखती रख दबा दी उन्होंने। नहीं नहीं, ये क्या दौरा पड़ गया है इनको, दौरा पड़ गया है क्या? नहीं जी, उन्होंने तो पंखुड़ी जी का नाम लिया ना कि आपकी पार्टी में पंखुड़ी जी का अपमान हुआ था, तो इस पर आप बोलिए ना, सीधे आरोप बोले पर्सनल लगा दिए। देखिए देखिए देखिए, ये इन सब चीजों की बात करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, ये सब बातें करने से आप पंखुड़ी जी तो महिला ने, उनका भी सम्मान है, उसको जस्टिफाई आप नहीं कर सकते हैं। अरे बीजेपी का देखिए ना, आगरा में पदाधिकारी बड़ा नेता टिंकू, उसने किस प्रकार से नवीन वर्मा की जो है पहले हत्या की गोली मारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।